सतना मागरा विकलांग सेवा समिति के नेतृत्व में विकलांग एवं विधवा महिला पुरुषों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंप कर विकलांग विधवा पेंशन स्वरोजगार योजना लागू करने की मांग की है। साथ ही विकलांग युवकों का कहना है कि पेंशन नहीं स्वरोजगार मिलने से विधवा और विकलांगों के जीवन में खुशहाली आएगी। अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे विकलांग सेवा समिति के अध्यक्ष गौतम सिंह ने शनिवार को जिला अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दिव्यांगजनों के जीवन में मूलभूत समस्या बेरोजगारी के सरस स्वरोजगार में बदलने की मांग की। गौतम सिंह ने आगे बताया कि सरकार की ढेरों योजना और लाख कोशिशों के बाद भी दिव्यांगजनों और विधवाओं का जीवन जिंदगी की मूलभूत सुविधाओं से दूर है। बेरोजगारी और बदहाली से परेशान दिव्यांग और विधवा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की सौगात देकर उनके खुशहाल जीवन में अपनी मदद करें। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौतम सिंह है, सतना मागरा विकलांग सेवा समिति से हैं। हम लोग समय समय पर दिव्यांगजनों की जो प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, उस पर प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं। उनसे कार्य योजना बनाकर दिव्यांगजनों के जीवन की जो प्रमुख समस्या है उसका समाधान और स्थायी निदान करने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की जो योजनाएँ रियलिटी में पेपरों में अखबार में न्यूज में तो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, लेकिन ज़मीन पे नहीं उतर पाती हैं। उन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई है, विकलांग विधवा पेंशन स्वरोजगार योजना। इस योजना के द्वारा हम दिव्यांगजन और विधवा महिलाएँ दोनों आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, एक विकलांग लोगों का एक विधवा महिलाओं का। उस ग्रुप में जो पेंशन हमें मिलती है उस पेंशन को संग्रहित करके जिला प्रशासन के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क करके दिव्यांगजनों के लिए फैक्ट्री कारखाने और विभिन्न प्रकार के स्वनिर्मित इकाइयों की स्थापना करेंगे, जिससे हर दिव्यांगजन को रोजगार मिल सके और उससे उनका जीवन बेहतर हो सके। अब तक कितनी विधवाएं महिला आपके साथ जुड़ी हैं या कितने दिव्यांग साथ हैं? अभी हमारे साथ में यहाँ पे लेके तो कम लोगों को आते हैं क्योंकि प्रशासन की मनाही है ज़्यादा लोगों को लेके आने की साथ में, लेकिन हमारे साथ में सैकड़ों दिव्यांगजनों विधवा महिलाएँ जुड़ी हैं जो बहुत जल्दी DPRO साहब से मिलके दिव्यांग अधिकारियों के माध्यम से कार्य योजना बन के तैयार होगी और वो अधिकारी सहमत हो गए हैं, वो बोल रहे हैं और ऐसा हो गया तो न जाने कितने दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की बेरोजगारी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इससे जो दिव्यांगजनों का जीवन है और विधवा महिलाओं को स्थापित हो चुका है वो जीवन खुशहाली लौट के आने की संभावना है, बशर्ते प्रशासन थोड़ा सा कोऑपरेट करे और कुछ हम दिव्यांग लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। अपना नाम बता दीजिए। आप इस संगठन से जुड़ी हैं, क्या फ़ायदा हुआ है अब तक और कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। संगठन ने क्या मदद की है आपकी? सहज कचरा मिला।